मैं पहले जा चुका था, मैंने कहा मलेशिया इंडिया हो गया, मलेशिया आ जाए ज़्यादा अच्छा है।
दिया, लेकिन वो अल्लाह की कुदरत के वो उनके घर में कोई बीमारी हो गई, किसी हॉस्पिटल जाना पड़ा, उनके जो चचा आ रहे थे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो वो सारा वो सेटअप ही खराब हो गया। तो इंडिया पाकिस्तान वालों को मिलना होता है तो सऊदी अरब में मिलते हैं या दुबई में मिलते हैं या मलेशिया में मिलते हैं, हालांकि साफ रहते हैं मगर मुलाकात के लिए दूर जंगल तलाश करते हैं, वहां जाकर मुलाकात। तो इसी तरह इंडिया के जो उलमा जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत है हमारे बुजुर्गों में से, उनसे हम मुलाकात करते हैं तो हमें कोई नया मुल्क तलाश करना पड़ता है, तो पता चला कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं मलेशिया, का ये बहुत अच्छा मौका है मुलाकात का। तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यारत नसीब फरमाई, और जैसे कोई बैट्समैन होता है वो अभी मैच शुरू होते ही छक्के चौके लगाना शुरू कर देते तो उसकी बड़ी वाह हो जाती है। तो मैं जब तक यहाँ आया मैंने कहा भी हम हजरत का काम देखे थे जैसे मुस्लिमों के तबलीग और क्या अभी तो आहिस्ता आहिस्ता उससे मुतले होंगे, तो आज से ही हमने छक्के चौके देखना शुरू हो गए। मैं समझ रहा था हजरत के साथ लोग ही हजरात बैठे थे, मैंने कहा ये कौन है, बताइए पावरी कसर को गिराने वाला, मैंने कहा ये यहाँ क्या कर रहा था, इसलिए इस्लाम को भूल गए। अच्छा भाई दूसरे एक और साहब बैठे थे वो डीएसपी को उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, वो अपना वाक्य सुना रहे थे कि मैंने डीएसपी को एक किस तरह से दीन की दावत दी और वो इतना सब मुसलमानों का दुश्मन और कैसा तगड़ा हो गया, कैसा उसने इकराम किया। मैंने कहा ये भी कुछ है हदीसों के जिस मदरसे से इतनी इन्होंने लंबी तबीर की, इतने लोगों को मुसलमान किया। मैंने उनसे पूछा आपका तहारो, तो मुझे बताया कि ये भी बाबरी मस्जिद में शरीक रहे, ये भी पहले गैर मुस्लिम थे इस्लाम कबूल किए इन्होंने। तो ये नजारा जब देखा तो ईमान का सा अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत दे और इस सिलसिले को अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। तो आवाज़ नहीं आ रही भाई, वो कह रहे सिर्फ तस्वीर आ रही है आवाज नहीं आ रही, माइक को देख लेते हैं चलिए नहीं आ रही आवाज, सिर्फ आपको आ रही है बाकी को नहीं। ये मैंने रिकॉर्डिंग किया वो खुद ही अपलोड कर। तो उलमा कहते हैं ना कि जो भी काम हो जो पहले से लगा हुआ उससे सीख के करना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है, अब आई नहीं आ रही और तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम देखा हजरत का और हजरत के शागिर्दों का, तो मायूसी खत्म हुई है हमको। हम एक चीज का इदराक हुआ यहाँ आने के बाद कि हमारे यहाँ मनफी सोच का गलबा है मुस्बत की नस्बत, मनफी सोच का हमें जरा गलबा ज्यादा है, बहुत सी चीजें हम खुद फर्ज कर लेते हैं हालांकि वो हकाइक की दुनिया में गलत होती है। तो गैर मुस्लिमों के बारे में भी हमने ये फर्ज किया हुआ है कि सारे कैसे होते हैं, ये सब इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं, इन सबको दीन की दावत भरपूर तरीके से पहुंच चुकी है, अभी वो जिम्मेदार है जाए जहन्नम में हमारी वला से, हम जाएंगे जन्नत में ये जाएंगे जहन्नम में, और हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, ऐसा नहीं है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। दीन की दावत और तबलीग के दो तरीके हैं, एक है दलाइल की दुनिया में किसी को बाई करना, जैसे माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, एक है फजाइल सुना के किसी को बाई करना। ये जो मोहब्बत का रास्ता है दलाइल से बाज दफा इंसान आयल होता है मगर वो सिर्फ और हठधर्मी की वजह से आने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो मोहब्बत का रास्ता है ना उसमें अल्लाह ने एक रहमत रखी है वो इंसान को अपनी तरफ खींचता है। कि मेरे जो जुमे के बयानात चल रहे हैं वो इस पर चल रहे थे, कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातील्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम वयुहिब्बूनहु,
लेकिन कैसी अजीब आयत है, ए ईमान वालों तुम में जो दीन से पीछे हटेगा तो अल्लाह ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। अब देखिए आयत ये होनी चाहिए, ए ईमान वालों तुम में जो पीछे हटेगा तो अल्लाह ऐसे लोगों को लाएंगे जो पीछे नहीं हटेंगे, यही होना चाहिए ना भाई। किस्मत नहीं आ रहा अरे सुनो भाई, आयत ये होनी चाहिए, क्या ईमान वालों जो तुम में दीन से पीछे हटेगा तो अल्लाह फिर उसके बदले में ऐसे लोगों को पैदा करेगा जिनमें इस्तेकामत होगी वो दीन से पीछे नहीं हटेंगे, ये होना चाहिए ना। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं बातें सारे भाई, मैं समझा पाए हूँ इसका वेदराज समझ में आ रहे हैं। तो फसी वो बलीज किताब है ना, उसमें तो कोई ऐप हो ही नहीं सकता। ए ईमान वालों तुम अगर दीन से पीछे हट गए तो अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अब ये कोई बज़ाहिर रब नहीं है, होना ये चाहिए कि आयत यूं हो, ए ईमान वालों तुम में जो दीन से पीछे हटेगा तो अल्लाह बदले में ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो दीन से पीछे नहीं हटेंगे, मगर ये नहीं फरमाया अल्लाह ने, बल्कि फरमाया है ईमान वालों तुम में जो दीन से पीछे हटेगा तो अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। इस आयत से पता चल गया कि तुम जो पीछे हटे थे इसलिए नहीं कि तुम्हारे सामने दलाई नहीं थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत में कमी थी, लिहाजा अल्लाह ऐसे लोग पैदा करेगा जिनमें मोहब्बत होगी, मोहब्बत की वजह से तुम पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। इर्तिदाद या दीन से पीछे हटना या दीन में दाखिला बसा होगा दलाई की वजह से होता है, लेकिन ज्यादातर दलाई का अवसर कम अल्लाह की मोहब्बत का अवसर ज्यादा, बनाने वाले से अगर मोहब्बत पैदा हो जाए तो बनाने वाले के रास्ते में खुद कबूल चलना शुरू हो जाएगा, चाहे दलील से बात समझ में ना भी आए। बहुत मुश्किल है भाई समझाना मेरे लिए, मेरी नालायकी है। तो जो दावत का अंदाज है ना हजरत का, वो अंदाज ये है कि गैर मुस्लिम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दी जाए। जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी तो मोहब्बत की वजह से खुद दीन की तरफ क्या होगा माइल होगा। हजरत वाकया सुनाया चले कि जिस शख्स ने बाबरी मस्जिद गिराई है वो बाप ने अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, लंबा वाकया। फिर वो आया तो उसको समझाया क्या भाई, तुमने ऐसे खुदा का घर गिराया है जो तुम्हारा भी खुदा है और हमारा भी खुदा है। भाई अल्लाह तो सबका एक ही है ना, हम जब गैर मुस्लिम के सामने इस्लाम पेश करते हैं मेरे जैसे नालायक, तो ये तसव्वुर होता है कि हमारा अल्लाह कोई और है, तुम्हारा हमारे वाले को मान लो, अपने वाले को छोड़ दो, अपनों को छोड़ना तो बड़ा मुश्किल होता है भाई, क्या ख्याल है। दुनिया छोड़ देता इंसान, अपनों को नहीं छोड़ता। देखो खुदा ने एक ऐसा मसला बयान किया कि अगर गैर मुस्लिम मियां बीवी में से कोई इस्लाम कबूल कर ले तो इस्लाम कबूल करने से निकाह भी टूटेगा, इस्लाम कबूल करने से निकाह नहीं टूटेगा, बल्कि शोहर ने इस्लाम कबूल किया तो बीवी पे, बीवी ने इस्लाम कबूल किया तो शोहर पे इस्लाम पेश किया जाएगा। शोहर अगर इस्लाम लाने से इनकार कर दे तो उस इनकार की वजह से निकाह को खत्म किया जाएगा, यानी इस बात को बेस नहीं बनाया जाएगा कि एक ने इस्लाम कबूल किया लिहाजा रिश्ता टूट गया। इससे तो ये मैसेज जाएगा कि इस्लाम कबूल करने से रिश्ते टूटते हैं, हालांकि इस्लाम तो रिश्ते तोड़ने के लिए आया ना भाई, अपनी समझ में नहीं आया तो पुलिस का केस अग्री, फिर पुलिस का केस। तो इस्लाम तो किसके लिए आया है, जोड़ने के लिए आया है, लिहाजा इस्लाम पेश किया जाएगा वो रद्द कर दे तो हम कहेंगे इसने इस्लाम को चूंकि रद्द कर दिया तो इस्लाम को ठुकराना रिश्ते तोड़ने का सबब है, इस्लाम लाना रिश्ते तोड़ने का सबब नहीं है। तो आप बताओ उस दीन में इतनी मोहब्बत हो, इतना जोड़ो, उस दीन का इमेज जो दुनिया के सामने गया हुआ है वो क्या गया हुआ है, तोड़ फोड़। ये हमारा कुछ है ना, कुछ प्रोपेगेंडा भी है, कुछ हमारा अपना कुछ भी है,
फरमाते हैं कि हजरत ने फरमाया कि भाई तुम्हारा रब भी वही है जो हमारा रब, तो तुमने जो मुसलमानों की मस्जिद को गिराया तो ये हमारा नुकसान नहीं किया, किसका नुकसान किया है? जिस खालिक ने तुम्हें पैदा किया, जिसके तुम पर एहसान है, तुमने उसका दिल दुखाया है, तुमने उसको नाराज किया है। यही तो कुरान की दावत है, तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। अल्लाह ने फरमाया है अहले किताब को जब दीन की दावत दो होगी यहूद व नसारा को, तो उनसे अहसन तरीके से उनको दीन की तरफ बुलाओ। एक दफा बचपन में मुझे कहीं जाना हुआ किसी गैर ईसाई के पास, ना को इस्लाम के बारे में मालूम हासिल करना चाहते थे। बचपन का मतलब आज के लिहाज से बचपन, वैसे वो बचपन था नहीं, लेकिन अब कोई बुजुर्गी आ गई है उसके लिहाज से वो हमारा बचपन था। तो मैं जब गया तो मैं बड़ा परेशान कि ये खालिद अपने घर में उन्होंने मुझे बिठाया, तो वो सारे ईसाई थे, तो उनकी पूरी एक फैमिली थी। तो मैं परेशान कि मुझे तो ना कोई दावत का कुछ पता था कि कैसे दी जाती है, बड़ा परेशान सोचता रहा। तो मेरे जहन में कुरान की याद आई कि वला तुजादिलू अहले किताबी इल्ला बिल्लती हिया अहसन, कि अहले किताब से जब बहस करो तो उनका तरीके से। ये आयत अल्लाह ने जहन में ले, वरना उस वक्त मैं इस अंदाज से भी दावत दे सकता था कि भाई देखो जितने ईसाई हैं एक बात याद रखो, जाएंगे सारे जहन्नम में, ये जहन कर दिया। ठीक है, यहां से क्या होगा, क्योंकि तुम ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हो, हालांकि अल्लाह ने तुम किसी को जाना नहीं है, तो जाना तुमने कहां है, जन्नत। और हम जैसे मर्जी नालायक को, हम जाएंगे कहां, जन्नत में। तो ये मुजादला बिल्लती ही अफसल होगा, बल्कि ये मुजादला बिल्लती ही अफवाह। ठीक है, वो मुझे घर से निकालते चल तुमने जन्नत में फेंकने के लिए आया, और मैं उसे भी कहता आपके जो दादा परदादा दुनिया से चले गए आपको पता है कहां गए, जल रहे होंगे। फिरौन ने जब मूसा अलैहि सलाम से, मूसा अलैहि सलाम ने जब फिरौन को दावत दी है, तो फिरौन ने ये सवाल किया, फमा बाबुल कुरूनी लूला, ऐ मूसा अगर शिर्क पे मरने वाला जहन्नम में जाएगा और मैं अगर मुझ पर ईमान नहीं लाता तो मैं जहन्नम में जाऊंगा, तो जो हमारे बाप दादे गुजर गए उनका क्या बनेगा, वो तो ईमान नहीं लाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे कि वो कहां जाएंगे भाई, वो जब शिर्क में मरे हैं तो वो जहन्नम में जाएंगे, वो कोई अल्लाह के लाडले थोड़ी है। असल जवाब तो ये था ना कि वो भी भाई शिर्क में तो बख्शिश नहीं है, असल जवाब तो ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि वो कहां जाएंगे, जहन्नम में। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम दाई थे ना, हिकमत के साथ दावत देने वाले, उन्होंने फरमाया जहन्नम में जाएंगे, फरमाया इल्मुहा इंदा रब्बी फी किताब, उनका इल्म मेरे रब के पास किताब में महफूज है, कहां किसने जाना है, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब गलती भी नहीं करता कि जिसको जन्नत में भेजना हो उसको जहन्नम में और जिसको जहन्नम में भेजना हो उसको जन्नत में, और भूलता भी नहीं है कि भेजना तो जन्नत में था मगर भूले से कहां भेज दिया, जहन्नम में। तो अल्लाह ना गलती करता है और ना वो भूलता है, जिसने जहां जाना था अल्लाह उसको वहीं पहुंचाएगा। फिर आगे फिर अपनी दावत शुरू करी, अल्लज़ी जअला लकुम अल अर्ज़ा, मैं उस रब की दावत दे रहा हूँ जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोड़ा बनाया, वसलका लकुम फीहा सुबुला, रास्ते बना दिए, वनज़ल्ला मिनस समा, माँ और आसमान से अपने पानी बरसाया, तो फिर अल्लाह की बड़ाई बयान करना शुरू कर। इससे साफ पता चलता है भाई मुजादला कैसा होना चाहिए, बड़े शाइस्ता अंदाज में हम एकदम फतवेबाजी देना शुरू कर देते। तो उन ईसाइयों का जब मैंने दावत दी ना, तो मैंने कहा कि कुरान में अल्लाह ने जहन में डाल दिया कि भाई फिर वो दूसरी आयत है तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ये ईमान वालों इनसे कहो कि आओ ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, अल्लाह ना बुला इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। तो मैंने कहा भाई देखो जो आप बाइबल पढ़ते हो उसमें भी अल्लाह की इबादत है, ईसा इब्ने मरियम को हम आपसे ज्यादा मानते हैं, तो अल्लाह का फजल हुआ कि उसमें बड़ा अच्छा असर पड़ा, लेकिन मुसलमान नहीं हुए। उसकी एक वजह तो ये थी हम जैसे नालायकों की दावत थी, दूसरी वजह ये थी कि वो उन्होंने कहा हम जो है ना अगर मुसलमान हो गए हमारा खानदान ही हमें छोड़ेगा। और हजरत से कल हमने एक बात सुनी तो यहाँ आके अंदाजा हुआ, मुझे पुराना वाकया याद आ गया कि किसी को दावत देकर सिर्फ मुसलमान करना काफी नहीं है, बल्कि अंसार और मुहाजिर वाला जब तक रिश्ता नहीं बनेगा
उस वक्त तक दावत मौसर नहीं होगी। मैंने तो उनको दावत दे के निकल गया, मैं फिर उनकी मजबूरियां सामने आई, हम ये करते हैं तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मैंने कहा भाई क्या हो जाएगा, ये जानो हमारी आखिरत जाने, हम तो निकल लिए पतली गली से। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में पतली गलियां बहुत है, सही है ना। यहाँ तो हमने अंदर कोई नहीं देखी लेकिन वहाँ बहुत है। वहाँ निकला है, हमने कहा अपनी कहीं ऐसा ना हो किसी को मीटर खुल जाए, रास्ता तलाश करो भी नहीं। लेकिन हजरत ने एक बात कल फरमाई कि जब तक मुहाजरीन और अंसार वाले तरस पे उम्मत नहीं आएगी, एक कुर्बानी देगा और दूसरा उस पर खर्च करेगा। ये भी तो एक किस्म की हिजरत है ना, अपने खानदान को छोड़ना। गैर मुस्लिम जब इस्लाम को सपोर्ट करता है, अपने खानदान को छोड़ता है, जब तक कोई उसको सपोर्ट करने वाला ना हो, उसे सीने से लगाने वाला ना हो। हजरत ने तो कल एक अजीब मसला बयान किया, वो मसला तो उलमा ही बताएंगे फिकी लिहाज से क्या है उसकी फिकी हैसियत। कि अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अगर कोई औरत मुसलमान होना चाहती है और किसी मुसलमान से कहे कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ मगर मुझे रखने के लिए कोई तैयार नहीं है, आप अगर निकाह कर लो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी। किसी बुजुर्ग के हवाले से उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा उस शख्स पर उस औरत से निकाह करना वाजिब है। तो मैंने कहा हजरत ये मेरे ऊपर थप्पा लगाए। वो कल वो बैठे हुए थे ना जो इस्लाम की उन्होंने कबूल किया, वो ये कह रहे थे हमने उलमा से सुना है कि एक औरत आपको निकाह की पेशकश करे और आप झुटला दें तो आप गुनाहगार हैं। मैंने कहा ये आप जो है ना कैसे खिताब करेंगे, आप गुनाहगार हैं।